हसन कमाल आदाब अर्ज करता है, मुझे बहुत खुशी है कि महफिल का यह प्रोग्राम आप लोग न सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बल्कि उसे पसंद भी फरमा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का जो स्टैंडर्ड कायम हुआ है वो बना रहे, और इसीलिए आज हमने आपको इंटरटेन करने के लिए दो बहुत मशहूर फनकारों को दावत दी है। इनमें से एक पद्मजा फिनाने हैं, जिनका नाम आप सुन चुके होंगे, जिनका नाम आजकल शोहरत के आसमान पर पहुंचा हुआ है। वो सबसे पहले आपको हमारे दूसरे मेहमान महेश चंद्र की गज़ल कंपोजिशन और सरदार अंजुम की शायरी सुनाने तशरीफ़ ला रही हैं। पद्मजा जी, सरदार अंजुम की गज़ल और महेश चंद्र का कंपोजिशन लेकर आपके सामने तशरीफ़ ला रही हैं, मुलाहजा फरमाएं। याद करता है मुझे आज भी रोने वाला, याद करता है मुझे आज भी रोने वाला, अजनबी
अजनबी हो न सका, अजनबी होने वाला याद कर चंद्र जी गायकी की दुनिया का एक बहुत मोतबर और बहुत मोहतरम नाम है, यानी उनका नाम बहुत प्यार से भी लिया जाता है और बहुत इज्जत से भी लिया जाता है। महेश चंद्र जी तशरीफ ला रहे हैं कतील शिफाई की वो मशहूर गजल लेकर जिसका एक मिसरा प्रोवर्ब और जरबुल मसल बन चुका है, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। कतील की यह खूबसूरत गजल महेश चंद्र की खूबसूरत आवाज में सुनिए और इसका लुत्फ उठाइए। मेरी बाहों पे तेरी जुल्फ जो लहराई है, मेरी बाहों पे तेरी जुल्फ जो लहराई है, मैं ये समझा के बयाबां में बहार आई है, मैं ये समझा के बयाबां में बहार आई है। ये रहता है दिन रात नशा सा मुझको, बिन पिए रहता है दिन रात नशा सा मुझको, मैंने जब से तेरी आँखों कसम खाई है,
मैंने जब से तेरी आँखों की कसम खाई से बूंदे गुनगुनाती हुई आती है फलक से बूंदे कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई गायक या गजल की गायिका का क्या स्टैंडर्ड है, वो किस पाए की है, अपनी आवाज के अलावा उसमें और क्या खसूसियत है, इसका एक पैमाना है और वो ये कि उसने कैसी गजल चुनी है और किसकी गजल चुनी है। ये बताता है कि गाने वाला फनकार गजल को कितना समझता है और गजल के माने को कितना जानता है। और इसका सबूत यह है, पद्मजा फिनाने ने गजल चुनी है जिगर मुरादाबादी की और वो बहुत खूबसूरत और मशहूर गजल, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई के यार का पैगाम आ गया। ये कंपोजिशन हमारे दूसरे मेहमान महेश चंद्र का है, आवाज पद्मजा की है, सुनिए और लुत्फ उठाइए। सुकून रूह को आराम आ
कितनी सच्ची बात और कितनी खरी और आजमाई हुई कि जिस दिल को दर्द सहने की आदत न हो वो मोहब्बत का दर्द कैसे सह सकता है। और इत्तेफाक देखिए कि महेश चंद्र जी नक्श लायलपुरी की जो गज़ल आपको सुनाने जा रहे हैं वो भी बिल्कुल यही है कि जो दिल दर्द सहने के काबिल नहीं वो मोहब्बत नहीं कर सकता। देखिए कितनी खूबसूरती से अदायगी की है महेश चंद्र जी ने नक्श लायलपुरी की गज़ल को। आइए महेश जी। कसम तोड़ देना तो मुश्किल
अगर दर्द से आशना दर्द का रोशनी बन